नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अनिष्का किचन में। और आज है संडे, तो आज हम जा रहे हैं मेथी की सब्ज़ी बनाने। ऐसे तो मेथी आप लोगों ने बहुत बार खाई होगी, लेकिन आज मैं जिस तरीके से बनाऊंगी ना, ये टेस्टी भी है और काफ़ी हेल्दी भी होता है सब्ज़ी। तो चलते हैं बनाते हैं। और हमारे खेत में बहुत सारा मेथी हो गया है, तो चलते हैं मेथी को खेत से लेते हैं। तो चलते हैं खेत से, देखिए मेथी को लेते हैं। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारा मेथी देखिए खेत में हुआ है। इसको हम देखिए खोट लेते हैं, और नरम नरम मेथी को ही खोटेंगे, मोटी डंठल नहीं लेंगे। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा मेथी जो कि बोया गया था, तो गर्मी की वजह से आधा आधा कहीं जगह पे हुआ है, कहीं पे नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमने काफ़ी सारा मेथी ले लिया है, अभी और आगे चल के भी खोटेंगे। तो अभी देखिए इतना सारा मेथी अभी है, तो इसको भी खोट लेते हैं। इसकी पत्तियाँ जो हैं, इसकी मुंडी जो है मेथी का, कीड़े खा जा रहे हैं इसको, इसीलिए हम लोग बना ले रहे हैं सब्जी। तो यहाँ पे देखिए हमने एक मुट्ठी मेथी ले ली, अब चलते हैं दूसरी जगह पे खोटने। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा मेथी जो कि फरा हुआ है, इसको भी हम देखिए ले लेते हैं, नरम नरम जो इसके डंठल सहित, इसको हम ले लेते हैं। इधर देखिए मैंने काफ़ी सारा जो कि मेथी के ताजे एकदम पत्ते ले लिए हैं, और डंठल सहित लिए हैं, और नरम नरम इसके डंठल। चलते हैं इसको लेके चूल्हे के पास। तो मेथी को देखिए तोड़ के चूल्हे के पास ले आए हैं, और इसमें काफ़ी थोड़ा मोटे मोटे भी डंठल है, देखिए इस तरीके से इसको हटा देंगे, और नरम नरम पत्तियाँ और जो थोड़ा नरम डंठल है उसको हम देखिए रख लेंगे थाली में। तो इस तरीके से हम थोड़ा इसको छाट लेते हैं। और गर्मियों वाला मेथी देखिए इस तरीके से इसकी पत्तियाँ हो जाती हैं, और जो ठंडी वाला मेथी होता है काफ़ी अच्छा एकदम फैला हुआ होता है पत्ता। तो देखिए वाला गर्मी वाला मेथी, तो इसका देखिए कलर और ये मेथी देखिए कैसा है, थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है सीजन के हिसाब से। तो मेथी देखिए छाटने के बाद इसमें से दो मुट्ठी निकला है बढ़िया एकदम मेथी, और इसके जो कि डंठल मोटे थे हमने हटा दिए, काफ़ी नरम नरम डंठल इसमें है। अब इसको हम साफ पानी से कई बार धो लेते हैं। तो मेथी को देखिए हमने साफ पानी से कई बार धो लिया, इसको देखिए एकदम बारीक बारीक काट ले रहे हैं। तो परसों की सहायता से देखिए इस तरीके से लेंगे, इसको हम काट लेंगे। तो सारे मेथी को देखिए मैंने काट लिया, थोड़ा सा मेथी हम आधा कटोरी रख देंगे, इसका बाद में यूज होगा। और इसमें डालते हैं हम नमक, तो आधा चम्मच देखिए इसमें हम नमक डाल दे रहे हैं, और सारे मेथी में अच्छे से मिला ले रहे हैं। नमक डालने से क्या होगा कि मेथी जो है पानी छोड़ने लगेगा, तो नमक मैंने इसलिए इसमें डाला है कि जो मेथी के पत्ते हैं काफ़ी नरम हो जाएंगे, और काफ़ी सारा मेथी जो है पानी भी छोड़ देगा। तो ग्रेवी के लिए देखिए यहाँ पे हमने टमाटर प्याज लहसुन लिया है, सबको हम रख लेते हैं पहले साइड कर लेते हैं, और प्याज को छील लेंगे, लहसुन को छील के रख लेते हैं। तो इधर मैंने प्याज टमाटर लहसुन हरा मिर्चा और सब धो लिया अच्छे से, इसको देखिए प्याज एकदम बारीक बारीक हम काट लेंगे, और टमाटर को भी काट कर इसका हम सिलबट्टे पेस्ट बना लेते हैं। इधर मैंने सब कुछ काट लिया है, तो सिर्फ हम टमाटर का पीसकर पेस्ट बनाएंगे। तो टमाटर को हम देखिए इसका बीज निकाल कर काट लिया है, अब इसको हम पीस लेते हैं सिलबट्टे पर, पीस कर इसी का सिर्फ पेस्ट बनाएंगे, बाकी चीज़ें हम बारीक काट कर डालेंगे। टमाटर का यहाँ पे मैंने पेस्ट पीस लिया, इसको कटोरी में उठा ले रहे हैं, इससे ग्रेवी क्या होगी बहुत गाढ़ी बनेगी। तो चूल्हे में देखिए इनको जला दिया, रखते हैं कढ़ाई, अब सब्जी बनाते हैं। तो कढ़ाई देखिए यहाँ पे मेरा गर्म हो गया, इसमें हम डालेंगे तेल, तो तेल डाल देते हैं। तो तेल हमने आधा कलछुल डाल दिया, इसमें तड़का लगाएंगे। तो तेल अच्छे तरीके से गर्म हो गया, इसमें तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आधा चम्मच डालेंगे जीरा, इसको डाल लेते हैं, थोड़ा सा सरसों के दाने डाल लेते हैं, और इसमें डालेंगे हम कड़ी पत्ता, बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे, और हरी मिर्च भी डाल देते हैं साथ में। इस पर तड़का लगता है सब्जी, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे लहसुन, हमने हरा मिर्चा, कड़ी पत्ता डाल दिया हल्का, इसको पहले लाल कर लेते हैं लहसुन को और हरी मिर्च को। लहसुन और हरी मिर्च थोड़ा सा लाल हो गया, उसमें बारीक कटा हुआ प्याज मैंने यहाँ पर मैंने तीन बारीक एकदम प्याज देखिए काटा था, इसको डाल देते हैं। प्याज को भी नरम होने तक बढ़िया से भूनेंगे, जब तक हमारा देखिए तड़का लाल होता है। इधर जो हमने मेथी में नमक मिलाया था, देखिए काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है, तो इसको पानी को हम साइड कर लेते हैं, निकाल देते हैं। और ये देखिए मेथी जो था काफ़ी नरम हो गया नमक डालने से, और 15 से 10 मिनट हमने इसको नमक डाल छोड़ दिया था। इसमें सारे मसाले मिला देते हैं। तो सबसे पहले देखिए आधा चम्मच हम डालेंगे जीरा,
और इसमें थोड़ा सा डालेंगे अजवाइन। अजवाइन से बहुत अच्छा सुगंध और स्वाद भी आता है, तो अजवाइन थोड़ा सा क्रश करके देखिए हाथों से इस तरीके से डाल दे रहे हैं। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे गरम मसाला और इसमें डालेंगे हम बेसन। बेसन डालने के बाद इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि मेथी देखिए ऐसे ही पानी छोड़ता है नमक डालने के बाद। अब इसमें जो चीज़ हमने सारे डाले इसको मिला लेते हैं, तो ज़्यादा इसमें हमें बेसन भी नहीं डालना है। हल्के हल्के देखिए हाथों से इस तरीके से मिलाएंगे और बेसन हमें ज़रूरत पड़ेगा तो और लेंगे। थोड़ा सा बेसन इसमें हम और डालते हैं, ये देखिए बेसन मैंने डाल दिया है, उसको अच्छे से और मिला लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसन डाल के देखिए सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया, देखिए इस तरीके से ये हो गया है। अब इसमें बेसन बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये एकदम परफेक्ट है दो जो हमने बनाया है। इसमें हमारा प्याज भी देखिए लाल हो गया है, इसमें डालेंगे टमाटर का पिसा हुआ पेस्ट। पेस्ट डालने के बाद इसको थोड़ा सा ला लेते हैं, इसमें डालेंगे सारे मसाले और नमक डाल लेते हैं। आधा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर और एक चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे तीखा लाल मिर्च और एक चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर। अब इसको हम सब मिला लेते हैं, मिलाने के बाद इसको 2 से 3 मिनट भी हम भून लेते हैं, बढ़िया पकाएंगे मसाले के साथ। सारे मसाले डालने में देखिए 2 मिनट तक हमने इसको भून लिया, 2 से 3 मिनट। और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं। नमक डालने के बाद इसमें 2 चम्मच हम पानी डालेंगे जो हमारे मसाले जले ना, इसको हम नमक डालने के बाद उसको चला देते हैं और इसमें दौर पका लेते हैं। तो मसाला देखिए हमारा अच्छे से भुना गया है और कढ़ाई का देखिए तेल ऊपर दिखने लगा है, अच्छे से हमने इसको पका लिया 2 से 3 मिनट। और इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही फ्रेश, ये हमारे घर का दही हमने इसको जमाया था तो 2 चम्मच इसमें डाल देंगे। और जो मेथी सॉस हमने बचा के रखा था आधा कटोरी इसको भी डाल देते हैं। अब इसको चला लेते हैं। दही जो मेथी मैंने डाला था इसको 2 से 3 मिनट हम ढककर खाली से भी और पका लेते हैं। इधर मेथी में जो हमने बेसन मिला के देखिए इधर छोड़ रखा था, अब इसको चलते हैं। देखिए हाथों में इस तरीके से थोड़ा सा हम डो जैसा लेंगे और इसको इस तरीके से गोल गोल थोड़ा करते हुए आराम से इसको देखिए इस तरीके से हम बना लेंगे। इसको देखिए इस तरीके से हम थोड़ा सा लंबे में इस तरीके से देखिए बना लेते हैं। आप चाहते हैं इसको गोल भी बना सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे उस तरीके से इसको आकार दे सकते हैं। इसी तरीके से हम और बना लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए हाथों में लेते हुए इस तरीके से इसको हमें थोड़ा सा लंबे में मैं बना रही हूँ, आप चाहे तो गोल में बना सकते हैं इसको। देखिए इस तरीके से बना बना के काफ़ी समय रख दिया है, थोड़ा सा और बना लेते हैं। और चलते बाद देखते हैं हमारे जो दही और मेथी जो डाले थे सारे मसाले अच्छे से पके हैं कि नहीं। एक बार चलते हैं कढ़ाई की तरफ भी चलते हैं, फिर थाली हटाते हैं। देखिए तेल ऊपर दिख रहा है, दही बना अच्छे से पक गया है और मेथी जो हमने डाला था वो भी देखिए अच्छे से पक गया है। उसमें डालते हैं ग्रेवी के अनुसार 1 गिलास पानी डाल लेते हैं। 1 गिलास अगर मैं पानी डाल रही हूँ, पानी डाल दिया, उसको चला लेते हैं। चलाने के बाद ग्रेवी में उबाल आने देते हैं। ग्रेवी में देखिए उबाल आ गया है और जो हमने इस तरीके से बनाया है इसको रोल जैसा, इसको हम डाल देंगे एक एक करके। जब ग्रेवी उबाल आए तभी इसको डालें। आप चाहते इसको तेल में फ्राई भी कर सकते हैं। अब इसको मैंने डाल दिया, अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच डाल देंगे हम गरम मसाला। आधा चम्मच मैंने गरम मसाला डाल दिया है, अब इसको चला देते हैं। ये जो मैंने रोल डाला है 7 से 8 मिनट इसको ढककर पकाएंगे और ये अच्छे से नरम भी हो जाए, इसकी ग्रेवी जो है इसके अंदर तक चली जाए अच्छे से। 7 से 8 मिनट देखिए थाली ढककर हमने पका लिया है, थाली हटाते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है सब्जी हमारा और गाढ़ा भी हुआ ग्रेवी भी। और ये देखिए जो हमने पकौड़े डाले थे मेथी के फुल फुल कर ये बड़े हो गए हैं, इसमें बेसन डाला था और अच्छे से पक भी गए हैं और नरम भी हो गए हैं। इसको बर्तन में देखिए निकाल लेते हैं और मेथी की सब्ज़ी देखिए इस तरीके से मेरे तरीके से बनाएंगे तो खाने में ये बहुत टेस्टी लगेगा। ये देखिए बर्तन में इसको खाली कर ले रहे हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मेथी की स्वादिष्ट सब्ज़ी देखिए बनकर रेडी हुआ, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में और खाने में बहुत टेस्टी है और काफ़ी ये हेल्दी भी है। तो अगर एक बार इसको बना खा लेंगे ना तो मन करेगा मेथी की सब्ज़ी इसी तरीके से बनाया जाए और खाया जाए।
और ये सब्जी अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आपके घर वाले बहुत ज़्यादा इसको पसंद करेंगे। बिल्कुल नए तरीके से मैंने बनाया मेथी की सब्ज़ी। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करते रहिए कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है। नए रेसिपी के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।